नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ और इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिक्स कॉर्नर सिंधी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको इस पॉइंट में अपने नीडल को निकाल देना है। तो अब मेरा ये जो नीडल यहाँ से यहाँ आएगा, तो देखिए इस कॉर्नर में भी हमें एक एक करके हर कॉर्नर में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया इस कॉर्नर पे। और ठीक इसी तरह से अब हमें यहाँ भी आना, यानी एक एक करके आपको हर कॉर्नर के पास से इस तरह से आपके नीडल को निकाल लेना है। देखिए हर पॉइंट में इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाना। देखिए हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा, देखिए इस पॉइंट में हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना, यानी राइट टू लेफ्ट नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पर आएँगे तो जब हम यहाँ पर आएँगे तो यहाँ भी इसी तरह राइट टू लेफ्ट नीडल को निकालते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी मैंने इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पर आ गया। तो बस इसी तरह से देखिए हर एक पॉइंट में, जो ये मेरा सिक्स कॉर्नर है यानी कि सिक्स पॉइंट, तो हर पॉइंट में बस हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इससे देखिए हर पॉइंट के पास आपको नीडल को लेके आना है। और बस इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बस अपने नीडल को यहाँ पे हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें अपने नीडल को इस वाले थ्रेड जो यहाँ पे पहले से थ्रेड है यहाँ पर इस नीचे थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। तो अब यहाँ भी सेम इसी तरह से हमें हर कॉर्नर के पास, देखिए सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया था, बस आपको हर कॉर्नर के पास अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। एक एक करके हमें हर कॉर्नर के पास अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना इस ग्राफ को आप जितना छोटा बनाइएगा वो दिखने में उतना ही खूबसूरत लगेगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए हर कॉर्नर के पास से आपको एक एक करके नीडल को निकाल लेना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास मैंने अपने नीडल को निकाल लिया इस तरह से, देखिए फिर हम यहाँ आएंगे तो देखिए अब मेरा ये नीडल यहाँ से आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे और इस वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। अब हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। तो अब हमें यहाँ आना है तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था, तो सेम इसी तरीके से हमें ये वाला कॉर्नर भी बना लेना है। एक एक करके हमें हर कॉर्नर के पास से अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से बहुत इजी है सिक्स कॉर्नर। और जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस
थ्रेड के नीचे से लेकर आना। तो बस इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे बनाया था, इसे भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे, फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये दोनों कॉर्नर बनाया, तो इसी तरह से हमें ये वाला कॉर्नर भी बना लेना। बस आपको हर कॉर्नर के पास, ये जो मेरा सिक्स कॉर्नर का सिक्स पॉइंट है, हर एक पॉइंट के पास हमें इस तरह से अपने नीडल को निकालते जाना है और इसी तरह से हमें बना लेना। सेम वही स्टेप को हमें बस फॉलो करना है। तो देखिए मैंने हर एक कॉर्नर के पास देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ दे। अब आपको नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरीके से हम इन दोनों के इसे कॉर्नर को भी यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से एक एक करके हर कॉर्नर को बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से इस थ्रेड के नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे जस्ट ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना। तो देखिए यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे ये जो मेरा दो धागे का क्रॉस है, देखिए यहाँ पे अपने नीडल को हमें निकाल लेना और हमें बस यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे हमने नॉर्मल सिंधी में करते, बस आपको इस तरह से देखिए यहाँ से निकालेंगे। फिर यहाँ से जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था, तो बस इस क्रॉस में देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस बना इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको ये पहला वाला धागा उठाना है, फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को देखिए एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है। फिर सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अभी हमें इसी तरह से देखिए इस कॉर्नर के पास जो क्रॉस है बस इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। अब हमें यहाँ से जब हम यहाँ से आ रहे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चार धागे, यानी पहला उठाना, दूसरे को हमें नहीं उठाना और तीसरे वाले थ्रेड को देखिए इस कॉर्नर में ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम फिर से यहाँ इस क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस वाले क्रॉस में देखिए इस क्रॉस से निकालने के बाद हमें सेकेंड यहाँ पर आना है, अपने नीडल को लेकर आना है। फिर जो यहाँ पे ये स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस स्मॉल क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब आपको ये पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, यानी एक एक करके आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को ध्यान से निकाल लेना। और इस तरह से देखिए आप देख लेंगे कि एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से, फिर ये जो पहले से धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और पहला वाला धागा बस हमें इस तरह से उठा लेना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल। अब देखिए अब हम ये सिक्स कॉर्नर में आ गए, तो सिक्स कॉर्नर में इसी तरह से देखिए हर एक क्रॉस के पास से बस आपको नीडल को निकालना है और ये जो पहले से धागा है इसे आपको उठा लेना। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने धागे को ज़्यादा खींचिएगा मत, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें हर कॉर्नर से अपने नीडल को बस इस तरह से बहुत इजीली आराम से हमें इसे इस तरह से निकालना है और यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है इस कॉर्नर में, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बहुत आराम से इस क्रॉस के बीच से हमें बस निकालना है नीडल को। अब देखिए जब इस तरह से हम यहाँ तक आ जाए, तो अब आप देख रहे होंगे कि अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ पर आना है, इस पॉइंट में आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने देखिए ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है इस तरह से और फिर सेम इसी यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर ये वाला जो सेकंड ना हो गया थर्ड तीसरा जो ये धागा है
हमें इसे भी अपने निडल पे उठा लें, यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट करना, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। देखिए इस तरह से मेरे ये आपको ऑल्टरनेट दिख रहा होगा, मैंने ये धागे के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे मैं नीचे से आ रही हूँ यहाँ ऊपर, फिर अब हम यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे। फिर सेम इसी तरीके से देखिए, बस हर एक पॉइंट में आपको नीडल को इस तरह से निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे आपको उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए, फिर बहुत सिंपल है, बस हर पॉइंट में आपको नीडल को इस तरह से निकाल दे लेना है। फिर आप इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालिए अपने नीडल को, पहला वाला धागा उठाइए, फिर यहाँ पे इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। आपको यहाँ पे कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये पहला वाला धागा, फिर दूसरे वाले धागे को छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो देखिए इस तरह से। तो फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से एक एक क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से अपने पहले वाले धागे को हमें उठा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है हमें और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। बस आपको धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, तो बस इसी तरह से देखिए एक एक करके मैंने हर जगह से अपने नीडल को निकाल लिया है। बस ध्यान रखना है कि जब आपका यहाँ पे इस तरह से ये बन जाए तो आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लें। अब देखिए यहाँ पे चार धागा, तो सेम यहाँ भी इसी तरीके से देखिए यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस कॉर्नर के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। बस आपको एक सेमी सर्कल बनाना, जब इस तरह से चार धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी चार धागा हो गया है, तो हमें ये पहला और यहाँ पे जो ये तीसरा वाला धागा है इस तरह से देखिए पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हम उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ ये कॉर्नर बस सेम इसी तरीके से हमें इन दोनों कॉर्नर को भी बना लेना। बस वही करना, एक बार बड़े वाले क्रॉस से फिर छोटे वाले क्रॉस से फिर पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए फिर हम सेम इसी स्टेप को हमें रिपीट करना और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना ले। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले सिक्स कॉर्नर में आ गए, तो बस इसे भी सेम इसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट में बस नीडल को निकालते जाना है, यहाँ से यहाँ यहाँ से बस, फिर पहला वाला धागा आपको उठाना है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे हर कॉर्नर में। अब हमें एक एक करके हर कॉर्नर के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से पहला वाला धागा बस हमें उठाते जाना है। देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने ये धागा उठा लिया है। अब यहाँ से लास्ट अब हमें यहाँ पे आना है, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से मैंने इस पॉइंट में अपने नीडल को निकाल लिया है। देखिए बहुत आराम से हमें यहाँ पे इस पॉइंट में अपने नीडल को निकालना है।
अंतर से मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा धागा छोटा हो गया है क्योंकि ये एंड का है, तो मैं यहाँ पे धागा नहीं लगाऊंगी। कोशिश करूँगी कि मेरा इसी धागे से ये फिनिश हो जाए। इस तरह से मैंने फिर से अपने नीडल पे इस थ्रेड को डाल लिया है। तो बस इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। तो अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में आपका चार धागा, तो आपको यह पहला और ये तीसरा वाला जो धागा इसे नीडल पर उठा लीजिए और इस क्रॉस में ठीक इसी तरह से हमें अपने नीडल को नीचे करते हुए यहाँ पे एक नॉट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये वाला डिज़ाइन भी यहाँ पे ये बनकर तैयार है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये सिक्स कॉर्नर डिज़ाइन बन गया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही सिंपल था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।